अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप का पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दोस्तों फ्री में हमेशा मिलती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको साथियों बताने वाला हूँ कतर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम। भाई यहाँ पे जितने भी कतर में काम करने के लिए अभी जाते हो तो बहुत सारे लोग अलग अलग वजहों से आप लोग काम के लिए एब्सेंट कर देते हो, यानी काम करने के लिए आप नहीं जाते हो। तो दोस्तों, उसका वहाँ का रूल रेगुलेशन क्या है, वहाँ पे क्या नियम है, ये सारा डिटेल आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो मेरे साथ बने रहिएगा ताकि पूरी मुकम्मल जानकारी आपको दोस्तों कतर में छुट्टियों के बारे में मालूम चल सके। तो सबसे पहले दोस्तों एक बात मैं आपको बताता हूँ, कतर में जो भी वहाँ पे रूल रेगुलेशन है, चाहे वो कतर में छुट्टियों को लेकर है, कतर में अपसेंड करते हो तो कितनी सैलरी काटी जाएगी उसको लेकर है, जुमा को छुट्टी उसको लेकर है, जो भी रूल रेगुलेशन वहाँ पे किसी तरह का बनाया गया हो वो सभी कतर का लेबर लॉ के मुताबिक वहाँ पर बनाया गया है। सभी कंपनियों को, सभी प्रवासी मजदूरों को, एक्सपर्ट लोगों को, सभी को एक कतर लेबर लॉ को वहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। कतर के लेबर लॉ के अनुसार ही दोस्तों वहाँ पे सभी काम वगैरह जो भी चीज़ें वहाँ पे वो की जाती हैं। तो भाई यदि आप कतर में अभी आप रहते हो तो यदि आप अभी छुट्टी वगैरह करते हो तो साथियों बहुत सारे कंपनी में आपको सुनने को ये मिलता होगा कि एक दिन की छुट्टी यदि आप करते हो तो आपका दो या तीन दिन के सैलरी को काट लेता है। दोस्तों मैं सैलरी तो नहीं बता सकता हूँ कितनी काटा जाएगा, क्योंकि हर एक वर्कर की सैलरी अलग अलग होती है, अलग अलग कंपनी में अलग अलग वर्कर होते हैं, अलग अलग ओहदे पे होते हैं, तो उसके अनुसार आपका सैलरी को काटा जाता है। तो मैं दोस्तों बहुत सारे कंपनी के द्वारा ज़बरदस्ती क्या किया जाता है कि एक दिन यदि आप बिना वजह, बिना कोई नोटिस, बिना कोई एप्लीकेशन दिए यदि आप कतर में काम करने की कंपनी में नहीं आते तो आपके एक से एक दिन के बदले दो या तीन दिन की दोस्तों आपको सैलरी काट दी जाती है, ज़बरदस्ती काट दिया जाता है। वैसे दोस्तों सभी कंपनियों में ऐसा नहीं किया जाता, पर कुछ कंपनियों में ऐसा किया जाता, खास तौर पर जो दोस्तों जो चालू कंपनी होती, जैसे कि साथियों दो तरह का कंपनी आपको पता है, एक मेन कंपनी है, एक दोस्तों मेन कंपनी नहीं होता, यानी दोस्तों एक कंपनी वर्करों को लाती है और कंपनी में भेजा जाता है उस तरह का, तो कुछ कंपनी द्वारा ऐसा किया जाता है। अब दोस्तों यदि आप अभी, आप लोगों को पता होगा दोस्तों कतर जो है मुस्लिम कंट्री, यदि आप कतर में अभी काम करने के लिए जाते हो और जुमा के दिन यदि आप छुट्टी करना चाहते हो तो आप छुट्टी करते हो तो आपको पूरा सैलरी कट जाता है, पर यदि आप हाफ टाइम काम वहाँ पर करते हो यानी 12 बजे तक, तो आपको पूरी दिन की वहाँ पर सैलरी दी जाती है, और यदि आप हाफ टाइम भी काम करने के लिए नहीं आते तो पूरा दिन के सैलरी को आपको काट दिया जाता है। तो आपको मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों कि जुमा के दिन जो भी आपका वर्क कंपनी आपका है तो आप जुमा के दिन दोस्तों काम जरूर कीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ वहाँ पे 3-4 घंटे ही काम करना पड़ता है, पूरी दिन की दोस्तों सैलरी दी जाती है, क्योंकि जुमा को लेकर दोस्तों 12 बजे के बाद सभी कंपनियां जो है वो बंद हो जाती है, काम वगैरह बंद करवा दिया जाता है, और जो वर्कर काम करना भी चाहते हैं तो उसको दोगुना तिगुना पैसा जुमा के टाइम में दोस्तों दिया जाता है। तो बस दोस्तों यही सब रूल रेगुलेशन होता है कतर में जो लोग वहाँ पर काम करते हो। तो दोस्तों छोटी सी जानकारी थी, छोटी सी अपडेट थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, एंड टेक केयर।